हेलो दोस्तों, क्या आप अभी 12th क्लास में हैं या आपने 12th क्लास कर ली है और आप ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो शुरू करते दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 12th क्लास से ही बात कर लेते हैं। यदि आपने 12th क्लास कर ली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आपके 12th क्लास में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए ताकि आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए आसानी से अप्लाई कर सकें। इससे कम है तो दोस्तों आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और जो दोस्त हमारे अभी 12th क्लास में हैं, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी अपने 12th क्लास पर ही फोकस रखें। 12th क्लास में आप अच्छे मार्क्स लेकर आएं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आपके 12th क्लास में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का लिए अप्लाई करने के लिए। इससे कम होंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों, इसमें आपको एक लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। आप आइल्स या पीटी इनमें से कोई भी दे सकते दोस्तों। आपको इनके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों आप इन्हें गूगल पे सर्च मारें या मैं इस पे अलग से भी वीडियो बना दूँगा। दोस्तों, इसमें आपके ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए आइल्स में, और पीटी में आपका ओवरऑल स्कोर 51 होना चाहिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, आपने अब टेस्ट भी दे दिया, आपके 12th में अच्छे मार्क्स भी आ गए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें क्या होता दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज होते हैं उनके लिए ऑफर लेटर अप्लाई करना होता है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। दोस्तों, आप किसी कोर्स में एडमिशन तभी ले सकते जब आप उस कोर्स की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा कोर्स मिलने के लिए 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेज मिलने के लिए 12th में, और साथ में आपका अच्छा बैंड स्कोर होना चाहिए जिससे आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स या यूनिवर्सिटीज मिल जाता है। तो दोस्तों, इस ऑफर लेटर को में क्या होता है, इसमें आपने कौन सा कोर्स लिया है और आपका कोर्स कितने दिन का है और आपकी कोर्स फीस क्या है, ये डिटेल रहती दोस्तों। इसे आने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इसे आप जो या किसी एजेंट के द्वारा या आप खुद जाकर जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उनकी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में क्या होता दोस्तों, आपको GTE असेसमेंट करवाना होता है। ये GTE क्या होता दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज कॉलेज है वो देखती है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया जब आप आओगे यहाँ रहने के लिए आपके पास पैसे है या नहीं, और आपको जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उनकी फ़ीस भरनी है उसके पैसे है या नहीं, वो यूनिवर्सिटीज कॉलेज ये देखती। दोस्तों, हम सीधी बात में यह कह सकते दोस्तों, आपको जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें फंड शो करवाने थे दोस्तों 20 से 25 लाख रुपए के। ये 3 महीने पुराने होने चाहिए दोस्तों। इसे आप खुद भी शो करवा सकते या आपका एजेंट करवा देता दोस्तों। इन्हें ही GTE असेसमेंट कहते दोस्तों। लिविंग एक्सपेंसेस देखती यूनिवर्सिटीज कॉलेज, इन्हें ही हम GTE असेसमेंट कहते दोस्तों। अब इसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता दोस्तों, इसमें आपका इंटरव्यू होता दोस्तों। जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज कॉलेज है वो आपका इंटरव्यू लेती है। ये इंटरव्यू बहुत आसान सा ही होता दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आसान क्वेश्चन होते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड कि आपने यह कोर्स क्यों चुना, यूनिवर्सिटीज पूछती है, और आपका ऑस्ट्रेलिया आने का लक्ष्य क्या है, यही पूछती दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट में क्या होता दोस्तों, आपकी जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज है जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो आपको मेल भेजती है GTE असेसमेंट करने के बाद कि आप फीस पे करवा सकते हैं। इसमें आपको कम से कम एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होती दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेज को, ज़्यादा आप कितनी भी करवा सकते हैं। जब आपकी फ़ीस पे हो जाती दोस्तों, तब आप अगले स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाते दोस्तों। अगले स्टेप में क्या होता दोस्तों,
यहाँ आप कुछ नहीं करना होता दोस्तों, जो आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है वही आपका COE तैयार करती दोस्तों। COE क्या होता है? कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट दोस्तों। यह तभी तैयार करती यूनिवर्सिटी जब आप उनकी सारी एलिजिबिलिटी, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। COE क्या होता है दोस्तों? इसमें यह होता है कि आपने जो आपका कोर्स कौन सा है, कितने दिन का है, और आपने आपके कोर्स की कितनी फीस पे की है, और मेन बात दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो कंफर्म करती है कि जिस स्टूडेंट को हमने COE भेजा है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी सभी एलिजिबिलिटी को देखते हुए दोस्तों। अब जब आपका COE आ जाता दोस्तों, तब आप अगले स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाते दोस्तों। इसमें आपको आपका मेडिकल टेस्ट करवाना होता दोस्तों अगले स्टेप में। जब आपका ये एक ही दिन में हो जाता दोस्तों, इसकी डेट आप कभी भी ले सकते दोस्तों आपका COE आने के बाद। इसमें आपका जब मेडिकल अप्रूवल आ जाता दोस्तों, तब आप जो आपकी फाइल है उसे एम्बेसी में लॉन्च कर सकते हैं, और आपका रिजल्ट जो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों 20 से 25 दिन में आ रहा है, तो यही प्रोसेसिंग टाइम चलता रहता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी का, तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मुझे लगता कि आप सभी जो स्टेप है वो समझ चुके होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।